नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तजुर्बे ने एक बात सिखाई है कि सबसे गहरी चोट किसी अपने ने पहुंचाई है। मेरे अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। कुछ चीज़ें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। आप रिश्ते बना कर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा ही ना हो निभाने का। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो, उसके ज़्यादा पीछे पड़कर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। जो जा रहा है उसे जाने दो, वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलता है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना सिर्फ आपकी मेहनत ही आपका साथ देगा। तुम जितना ज़्यादा ईमानदार, सच्चे और सरल हो जाओगे उतने ज़्यादा ठगे जाओगे और उतने ज़्यादा धोखे खाओगे। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। रिश्ते कमजोर नहीं होने चाहिए, अगर एक खामोश है तो दूसरे को आवाज़ देनी चाहिए। सफलता पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभाले रखना बहुत बड़ी बात होती है। ताश का जोकर और अपनों का ठोकर अक्सर पूरी बाजी ही घुमा देती है। तू सब्र रख, दूरियों का मलाल उसे भी होगा। जब तू किसी और का होगा तो मोहब्बत का एहसास उसे भी होगा। इतना अजीब है ना, भरोसा किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर ही शुरू होता है और फिर उस इंसान की असली सच्चाई जानकर ही खत्म हो जाता है। यह दुनिया बड़ी मतलबी है, इसी अच्छाई की उम्मीद कभी मत रखना। कोई भी यहाँ आपका परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। इसकी भी चाहते हो और सुकून भी चाहते हो, गजब करते हो, अमावस की रात में चांद चाहते हो, रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस ना होने देना। जिंदगी ये हुनर भी सिखा देता है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा न रखना होता है। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। यह दुनिया तबाही के मोड़ पर खड़ी है और तू मुझे देखो, मुझे फिर भी तेरी ही परी है। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसे तकलीफ आए तो सबसे पहले तुम्हारी याद आए। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीव मिला है तो सुनने के लिए ध्यान रखो। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह से पेश आते हैं जैसे वे हमसे फायदा उठाकर भी हम पर ही कोई एहसान कर रहे हो। जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं, ना कुछ पाने की खुशी होती है और ना कुछ खोने का गम होता है। जिंदगी में जब जब किसी के साथ की जरूरत पड़ी है, मैंने खुद को हमेशा अकेला पाया है। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पछता नहीं उसे खाना मत, और जो सच बोलने पर भी रूठ जाए उसे कभी मनाना मत। जो व्यवहार आपको दूसरे से पसंद ना हो वैसा व्यवहार आप भी दूसरों के साथ ना करें। जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना ही तुम्हें सुनेगा। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो लेकिन उम्मीद किसी से मत करना। मुकम्मल कहाँ हुई किसी की जिंदगी, आदमी कुछ होता ही रहा कुछ पाने के लिए। जिन्हें पता है कि अकेलापन क्या होता है वह लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ है, खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी करीबी है लेकिन सच्ची है। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया वह सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है ना उनको दर्द भी
बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसी होती। कुछ तो हमारे इतने शुभचिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता हुआ देखते ही चिंता करने लगते हैं। जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्तों का होना भी जरूरी है, क्योंकि हर वक्त मोहब्बत साथ नहीं देता। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। और खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने के हद से गुजरता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बनो, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का कम रखते हो। हम सफर चाहे गरीब हो, पर अच्छा होना चाहिए जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। अभी चिट्ठी कभी राखी कभी मनी ऑर्डर आते थे, वह दिन कुछ और थे जब डाकिये भी खुशियां लाते थे। समंदर जैसी है अपनी पहचान, ऊपर से खामोश और अंदर से तूफान। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अपने आज को ये सोचकर मत बर्बाद करो कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं। किसी सही इंसान के साथ कितना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी जिंदगी करना पड़े। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या रिश्ते। दुनिया में चाहे हजार रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ कि जब वह हजारों तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन वो एक हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वो आपकी परेशानी नहीं बल्कि प्रतीक्षा करेगा। कितने अजीब होते हैं, बात को पकड़ कर इंसान को छोड़ देते हैं। किसी की जिंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी जिंदगी से आप ऐसे निकल जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिस पर आपको यकीन हो कि वह तुम्हें भुला लेगा। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरत नहीं बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार चरित्र और सम्मान की हो। जिंदगी में पैसे और पावर को नहीं, स्वभाव और संबंधों को अहमियत देनी चाहिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने की बजाय मैं क्या कर रहा हूँ ये सोचना शुरू कर दीजिए। एक तेरा ही प्यार सच्चा है माँ, औरों की तो शर्तें ही बहुत है। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे रास आ गया है अकेलापन, अब आप अपने वक्त का अचार डाल लीजिए। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकता है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आता है, मरने का बाद नहीं। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर, अगर मर जाए तो समझो खेल ही खत्म। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।